हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के फाइनल क्लास चैनल के अंदर मैं सपना पांडे आपका स्वागत करती हूँ। कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज के अंदर प्रीवियस वीडियो में आपने इनपुट यूनिट और इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा और जाना। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको आउटपुट यूनिट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताऊंगी। आउटपुट यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि आउटपुट क्या होता है। आउटपुट इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से कंप्यूटर में आप जो कुछ भी इनपुट या डेटा फीड करते हैं, सीपीयू उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट जनरेट करता है। तो जो रिजल्ट होता है उसे, या प्रोसेस्ड डेटा होता है या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है, उसे आउटपुट कहते हैं। और ये प्रोसेस्ड डेटा या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जिन डिवाइसेस के माध्यम से डिस्प्ले होती है उनको आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आउटपुट यूनिट क्या होता है। जब हम कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से डेटा फीड करते हैं तो कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग के बाद वो डेटा जो होता है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होता है, वो मशीन रीडेबल फॉर्म में होता है। तो आउटपुट यूनिट का काम ये होता है कि उस रिजल्ट को या उस आउटपुट को डिस्प्ले कराने से पहले आउटपुट यूनिट उसे, उस डेटा को मशीन रीडेबल फॉर्म से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे कि डेटा को पढ़ा और समझा जा सके हम लोगों के द्वारा। कंप्यूटर से अटैच्ड बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जिनमें से कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर। अब चलिए एक एक करके इन आउटपुट डिवाइसेस के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले जो आउटपुट डिवाइस है वो है मॉनिटर। मॉनिटर एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस है। जो भी कंप्यूटर यूजर हैं वो मॉनिटर, उनके पास मॉनिटर जरूर होगा, क्योंकि मॉनिटर पर ही कुछ डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज जो कुछ भी इंफॉर्मेशन या डेटा होगा वो हमें दिखेगा नहीं। तो जो सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस है वो है मॉनिटर। इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, या फिर आप इसे स्क्रीन भी कहते हैं मॉनिटर को, या डिस्प्ले वीडियो स्क्रीन भी कहा जाता है, या वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल भी कहा जाता है। बहुत सारे नाम से इसको बुलाया जाता है मॉनिटर को। मॉनिटर जो होता है वो बिल्कुल टीवी की तरह दिखाई देता है। जो भी काम कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस हो रहा होता है या फिर प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको डिस्प्ले कराने का काम मॉनिटर का होता है। इसमें हम अपने आउटपुट का को टेक्स्ट, वीडियो, ग्राफिक्स, इमेज इत्यादि के फॉर्म में देख सकते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर मॉनिटर 1 मार्च 1973 को रिलीज किया गया था, जो कि जेरोक्स ऑल्टो कंप्यूटर सिस्टम का एक पार्ट था। मॉनिटर पे जो पिक्चर्स बनती हैं या जो इमेज बनती है उसमें बहुत छोटे छोटे थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल पिक्सल्स या डॉट्स होते हैं, जिसको पिक्सल्स कहते हैं। वो डॉट फॉर्म में इमेज बनती है, और इसका जो आउटपुट डिस्प्ले होता है उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आउटपुट दो टाइप्स के होते हैं, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। जो हार्ड कॉपी आउटपुट होता है उसे कागज पे प्रिंट किया जाता है, वो पेपर का की कॉपी होती है और उसको कैरी किया जा सकता है, और जो सॉफ्ट कॉपी होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी होती है। तो अब जो मोस्ट कॉमनली टाइप्स है मॉनिटर्स के वो है सीआरटी मॉनिटर्स, यानी कैथोड रे ट्यूब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसे टीएफटी मॉनिटर्स भी कहते हैं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, और टच स्क्रीन मॉनिटर। चलिए अब एक एक को देखते हैं। सबसे पहले कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स, सीआरटी मॉनिटर्स जो मोस्ट कॉमन मॉनिटर्स है, जब तक कि आपका टीएफटी या एलसीडी मॉनिटर नहीं आया था या वो सबके पहुंच में नहीं था, तब तक सीआरटी मॉनिटर मोस्ट कॉमन।
अब क्योंकि आजकल एलसीडी मॉनिटर्स चल रहे हैं तो आज इसका यूज़ कम हो गया है। और इस सीआरटी मॉनिटर में इलेक्ट्रॉन गन होता है। इस मॉनिटर्स में इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम्स होती हैं वो पिक्सल्स या डॉट फॉर्म में होती हैं, जो कि स्क्रीन की इनर कोटिंग होती हैं। इसमें से जो कलर अचीव किया जाता है, जो कलर हमें दिखाई देता है, वो आरजीबी यानी रेड ग्रीन और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन के प्रिंसिपल पे होता है। और इन्हीं आरजीबी के डिफरेंट शेड या डिफरेंट इंटेंसिटी से बहुत अन्य और बहुत सारे कलर्स प्रोड्यूस होते हैं इन्हीं कलर कॉम्बिनेशन से। जो बेसिक कलर टेक्नोलॉजी, उसमें आरजीबी यूज़ होती है। हम आगे और भी दूसरी कलर टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। सीआरटी मॉनिटर्स ज़्यादा स्पेस लेते हैं और बहुत सारे साइज में मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि 14 इंच, 15 इंच, 17 इंच और 21 इंच। सीआरटी मॉनिटर आज भी कंप्यूटर के और दूसरे टाइप के मॉनिटर से कहीं ज़्यादा अच्छा इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो है और व्यूइंग एंगल और मॉनिटर्स की अपेक्षा अच्छा है। सीआरटी मॉनिटर की आप इमेज देख सकते हैं। अब नेक्स्ट मॉनिटर के आते हैं। नेक्स्ट जो मॉनिटर है वो एलसीडी, इसको टीएफटी भी बोलते हैं। एलसीडी मॉनिटर जो होता है वो बहुत थिन होता है, पतला होता है और लाइट होता है, स्पेस कम लेता है अपेक्षा की सीआरटी मॉनिटर्स के। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ये लाइट को मॉड्यूलेट करने की प्रॉपर्टी इसमें होती है, जो उसके लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं उसको मॉड्यूलेट करने की प्रॉपर्टी इसमें होती है। ये लाइट को डायरेक्टली एमिट नहीं करती है और इसमें लॉट ऑफ स्पेस बचता है। इसको आप कहीं किसी वॉल पे भी लगा सकते हैं और ये एक वाइड रेंज में व्यूइंग एंगल प्रोवाइड करती है। और इसकी साइज भी कई रेंज में अवेलेबल है, जो कि 17 इंच से 60 इंच के बीच में है। इसमें जो इमेज डिस्प्ले होती है वो बहुत शार्प होती है। और सबसे बड़ी बात कि इसको रन करने के लिए पावर जो होता है वो कम कंज्यूम होता है, यानी कम पावर में इसका यूज किया, पावर कम कंज्यूमेबल है। और इसमें वाइड रेंज के एप्लीकेशंस आते हैं एलसीडी में, जैसे कि टेलीविज़न है, आजकल टीवी भी एलसीडी टीवी, एलईडी टीवीज भी आने लग गई हैं, इंस्ट्रूमेंटल पैनल्स है, एयरक्राफ्ट कॉकपिट्स डिस्प्ले है, ये सारी चीज़ें एलसीडी में आने लग गई हैं। और इनका यूज़ क्लॉक्स में, वॉचेस में, कैलकुलेटर्स में, रेडियो प्लेयर्स में, गेमिंग डिवाइसेस में और फोन्स में भी यूज़ होता है एलसीडी का। चलिए जो नेक्स्ट मॉनिटर की कैटेगरी में आता है वो टच स्क्रीन मॉनिटर। ये ऐसे मॉनिटर्स हैं जिनको आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि हम टच करके इसमें इनपुट भी देते हैं और डिस्प्ले भी करता है ये रिजल्ट, इसलिए इसको आउटपुट डिवाइस के कैटेगरी में भी रखा गया है। टच स्क्रीन एक ऐसा स्पेशल मॉनिटर है जो यूजर्स को इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए भी काम में आता है, बाय टचिंग आइकन्स और ग्राफिकल बटन्स जो कि स्क्रीन पे के ऊपर रहते हैं, आप उनको टच करके इनपुट भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक लिमिटेड अमाउंट में डेटा को एंटर किया जा सकता है बाय यूजिंग टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी। यह आपके एटीएम मशीन्स में यूज़ होता है, ऑफिसेज में, सिनेप्लेक्सेस में यूज़ होता है। टच स्क्रीन मॉनिटर्स सुपरमार्केट्स में, म्यूजियम्स में भी यूज़ होता है, जो प्रोडक्ट की या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को, ऑब्जेक्ट की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को जानने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी एक ऐसा आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर से जनरेट किए गए आउटपुट को या इमेज को एक लार्ज और फ्लैट स्क्रीन पे दिखाता है, उस इमेज को एनलार्ज करके दिखाता है। आप इसे कपड़े के ऊपर या वॉल के ऊपर भी देख सकते हैं। ये मीटिंग्स में यूज़, जनरली मीटिंग्स वगैरह में यूज़ होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत भीड़ होती है, तो पीछे तक के लोगों को मॉनिटर और अगर दूसरे तरह का मॉनिटर लगाएंगे तो वो विजुअल नहीं होगा,
लेकिन ये अगर आप प्रोजेक्टर के थ्रू उसको प्रोजेक्ट करके वॉल पे या किसी कपड़े की स्क्रीन पर दिखाते हैं तो सबके लिए विजिबल होगा दूर से भी। तो ये एक ऐसी प्रोजेक्टर एक ऐसी आउटपुट डिवाइस होती है जो कि कंप्यूटर ब्लू रे प्लेयर के द्वारा जनरेट किया जाता है। इस इमेज को लेता है और उसको रिप्रोड्यूस करता है, मतलब कि उसको एक बड़े स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने का काम करता है। ये बड़ा स्क्रीन कोई दीवार स्क्रीन या फिर कोई प्लेन सरफेस लाइक बोर्ड या कपड़े वगैरह पे भी हो सकता है। जैसे कि आप बहुत लोगों को प्रेजेंटेशन हजारों लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो इसके लिए कंप्यूटर स्क्रीन में प्रेजेंटेशन को आप प्रेजेंट नहीं करा पाएंगे क्योंकि सब लोग इसको नहीं देख पाएंगे। तो इस यहाँ पर प्रोजेक्टर की ज़रूरत पड़ती है कि जो कुछ भी आपका प्रेजेंटेशन में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक वॉल पे बड़ा करके इनलार्ज करके दिखाया जाए जिससे कि वो सबको देखे। कंप्यूटर से इनपुट लेने के लिए जनरली प्रोजेक्टर HDMI या VGA केबल्स का इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल प्रोजेक्टर इसका इस्तेमाल आजकल हम लोग करते हैं, जिसको 1984 में गिनी डॉलगोफ ने बनाया था। आप प्रोजेक्टर की इमेज देख सकते हैं नीचे जिसमें ग्लास लगी हुई, यहीं से प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं जो कि है प्रिंटर। प्रिंटर एक ऐसी पेरिफेरल डिवाइस है जिसका यूज आउटपुट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ये आउटपुट आप किसी पेपर पे या किसी भी प्रिंटेबल मीडिया पे यानी कपड़े पे फ्लैक्स शीट पे किसी पे भी प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को जो कि पेपर पे या किसी भी प्रिंटेड मीडिया पे प्रिंट हो रही है इसको हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। प्रिंटर्स जनरली दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यहाँ पे आप ये डायग्राम देख सकते हैं जो प्रिंटर्स को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर फर्दर इसको क्लासीफाई किया गया है इम्पैक्ट प्रिंटर्स को कैरेक्टर प्रिंटर में और लाइन प्रिंटर में, जिसमें कैरेक्टर प्रिंटर्स के अंदर दो प्रिंटर आते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर, और लाइन प्रिंटर्स में दो प्रिंटर आते हैं, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरी में तीन प्रिंटर्स हैं, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं। पहले इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर नाम से ही आपको लग रहा है इम्पैक्ट यानी किसी चीज पे प्रभाव डाल के स्ट्राइक करके इम्प्रेशन डाल के प्रिंटिंग इसमें होती है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर अलाउ फिजिकल कॉन्टैक्ट। इसमें क्या होता है, पेपर और प्रिंटिंग हेड के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है और वो पेपर पे इम्पैक्ट के थ्रू या इम्प्रेशन के थ्रू या स्ट्राइकिंग के थ्रू प्रिंट करते हैं। इनको कैरेक्टर प्रिंटर भी कहते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में दो कैटेगरी इसमें क्लासीफाई किया गया है, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कैरेक्टर प्रिंटर यानी ये ऐसे प्रिंटर्स होते होंगे जिसमें एक एक कैरेक्टर प्रिंट किए, सिंगल कैरेक्टर एक बार में प्रिंट किए जाते हैं और ये स्लो होते हैं क्योंकि एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं इसलिए स्लो होते हैं। और ये केवल टेक्स्ट को ही प्रिंट कर पाते थे, ग्राफिक्स से इमेज को प्रिंट नहीं कर पाते थे। इस कैटेगरी में दो प्रिंटर्स आते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। अब लाइन प्रिंटर की बात करते हैं। लाइन प्रिंटर नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि इस प्रिंटर के जरिए एक बार में एक लाइन को प्रिंट, एक पूरी की पूरी लाइन को प्रिंट किया जा सकता था। लाइन प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर की अपेक्षा फास्ट होते थे जिसकी रेंज 150 से 2500 लाइन्स पर मिनट होती थी, लेकिन ये लो क्वालिटी की प्रिंटिंग को प्रोड्यूस करते थे। इसके अंतर्गत ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर्स आते थे। अब एक एक करके इन प्रिंटर्स को समझेंगे। सबसे पहले कैरेक्टर प्रिंटर यानी इम्पैक्ट प्रिंटर कैटेगरी के अंदर कैरेक्टर प्रिंटर है और उसके अंदर का जो प्रिंटर है वो है डेजी व्हील प्रिंटर। तो डेजी व्हील प्रिंटर आपको नाम से ही लग रहा होगा, डेजी व्हील, डेजी एक फूल का नाम है, एक फ्लावर का नाम है। तो इस प्रिंटर का जो शेप था वो एक फूल की तरह, डेजी फूल की तरह था, इसी के शेप के
ऊपर इसका नाम डेजी व्हील रखा गया जो एक व्हील फॉर्म में था। इस प्रिंटर में ये एक सॉलिड फॉन्ट वाला इंपैक्ट प्रिंटर था और इसका जो व्हील था वो एक बहुत स्लो स्पीड वाला प्रिंटर था, लेकिन इसकी जो आउटपुट थी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इसलिए इसका यूज लेटर वगैरह छापने में या लेटर क्वालिटी प्रिंटर कहलाता था। इसका जो प्रिंटिंग हेड में जो चक्र या व्हील था जिसकी हर एक स्पोक में एक कैरेक्टर या सॉलिड फॉन्ट उभरा हुआ होता था जिसके थ्रू प्रिंटिंग होती थी। ये व्हील जो था वो कागज में हॉरिजेंटली ये मूव करता था और छपने जो भी कैरेक्टर छापना होता था वो स्पोक व्हील के घूमने से प्रिंट पोजीशन पर आता था और एक छोटा सा हैमर स्पोक रिबन और कागज पर टकराता था जिससे अक्षर कागज पर छप जाता था। इस प्रकार से इसमें प्रिंटिंग होती थी, लेकिन अब ये प्रिंटर बहुत कम उपयोग में आता है। इसकी जो स्पीड थी वो 60 CPS to 120 CPS यानी 60 से 120 कैरेक्टर पर सेकेंड थी। ये स्लो था और नॉइसी था। इम्पैक्ट प्रिंटर में जितने भी प्रिंटर्स आएंगे वो नॉइसी होते थे क्योंकि वो इम्पैक्ट या इम्प्रेशन के थ्रू काम कर रहे होते थे तो उसमें शोर होता था। अब नेक्स्ट प्रिंटर की बात करते हैं जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर में कैरेक्टर प्रिंटर की कैटेगरी में ही आता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नाम से ही पता चल रहा है डॉट मैट्रिक्स। इसमें पिंस का यूज होता था और जो कि एक मैट्रिक्स फॉर्म में होते थे। इसमें पिंस जिस एरे में या जिस मैट्रिक्स में सेट होते थे वो 9 से 24 पिंस होते थे और इसकी जो मैट्रिक्स की जो रेंज थी वो 50 कैरेक्टर पर सेकंड से 400 कैरेक्टर्स पर सेकंड में थी। ये भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और प्रिंटिंग करते टाइम बहुत शोर करता था और इस प्रिंटर का प्रिंट हेड में बहुत सारी पिंस का एक मैट्रिक्स होता था और हर एक पिन के रिबन और कागज पर कॉन्टैक्ट से एक डॉट छपता था और बहुत सारे डॉट्स मिलके एक कैरेक्टर बनाते थे, जैसा कि आप इसकी इमेज में देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट दिया गया है जो कि लेफ्ट से राइट में मूव करता था और ये प्रिंट हेड्स दिए हुए हैं और इसमें ये पिन का मैट्रिक्स बना हुआ है जो कि 9 या 24 होता था और इस पिन से इंक जो है वो गिरती थी, टिनी ड्रॉप एकदम गिरता था और इस ड्रॉप्स के थ्रू या डॉट्स के थ्रू इसमें प्रिंटिंग होती थी। तो इसमें प्रिंट हेड में 7, 9, 14, 18 या 24 पिनों का हॉरिजेंटल ग्रुप होता था। जो कॉमनली पाया जाता था वो 9 और 24 का था। एक बार में एक कॉलम की पिने प्रिंट हेड से बाहर निकालकर डॉट्स छापती थी जिससे एक कैरेक्टर कई स्टेप में बनता था और लाइन की दिशा में प्रिंट हेड आगे बढ़ता जाता था और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंटिंग जो स्पीड थी वो स्लो थी जो कि 50 CPS से 400 CPS थी कैरेक्टर्स पर सेकंड। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पहले से यानी फॉन्ट ऐसे नहीं होते थे कि जो कि पूर्व निर्धारित या पूर्व निर्मित पहले से बने बनाए फॉन्ट हो, क्योंकि ये डॉट फॉर्म में छपते थे इसलिए कोई फॉन्ट इसका नहीं होता था और इसी कारण से ये कई सारे आकार प्रकार के भाषा के कैरेक्टर या ग्राफिक्स वगैरह छापे जा सकते थे डॉट फॉर्म में। ये प्रिंट हेड की मदद से कैरेक्टर बनाते थे जो कि कोड 0 to 1 के रूप में मेमोरी से रिसीव किया जाता था और प्रिंट हेड में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मौजूद होता था जो कि कैरेक्टर को डिकोड करता था। इस प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी। अब नेक्स्ट प्रिंटर की अगर बात करें तो वो है ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर की ही कैटेगरी में आता है, लेकिन ये एक लाइन प्रिंटर है। अभी तक हमने जो दोनों प्रिंटर पढ़ा, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स, वो दोनों कैरेक्टर प्रिंटर थे जो एक बार में एक कैरेक्टर छापते थे। अब ये ड्रम प्रिंटर जो है वो लाइन प्रिंटर था, यानी इससे एक बार में एक पूरी की पूरी लाइन छापी जाती थी। ड्रम प्रिंटर में
एक फिक्स्ड फॉन्ट कैरेक्टर को सेट किया जाता था, जो कि जो प्रिंट व्हील्स था उसके एज पर ये कैरेक्टर्स या ये फॉन्ट के कैरेक्टर्स उसमें खुदे हुए होते थे। और ये व्हील्स जो है एक सिलेंडर में आपस में जुड़े होते थे और ये बहुत तेजी से स्पिन करता था, बहुत तेजी से घूमता था। तो जो भी डिजायर्ड कैरेक्टर आता था वो कॉलम से पास होता था और प्रिंटिंग पोजीशन पे आता था, तब उसके ऊपर एक हैमर स्ट्राइक करता था जिससे कि वो पेपर पे इम्प्रेशन छोड़ता था। इसमें भी रिबन और लगे होते थे और ड्रम था, सिलेंडर या ड्रम जिसके ऊपर सारे कैरेक्टर्स थे और इसके थ्रू इस पे प्रिंटिंग होती है। आप समझ लीजिए, आपने अगर टाइपराइटर देखा होगा, टाइपिंग मशीन, तो ये कुछ उस टाइप का था। रेजी व्हील भी उसी तरह की प्रिंटिंग था, उसके भी जो स्पोक्स थे उसके एज पे कैरेक्टर्स उभरे हुए थे। इसमें क्या थे, कैरेक्टर्स खुदे हुए होते थे सिलेंडर या ड्रम पे और उसके ऊपर से पेपर पास होता था। फिर जो डिजायर्ड कैरेक्टर होता था उस जब वो कॉन्टैक्ट में आता था वहाँ पे जब उस पोजीशन पर आता था तो हैमर जो है उसको स्ट्राइक करता था जिससे वो कैरेक्टर पेपर के ऊपर छप जाता था। अब बात करते हैं चेन प्रिंटर की। चेन प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरी में आता है और ये भी लाइन प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए होता था, एक बार में एक लाइन प्रिंट करता था। चेन प्रिंटर में कैरेक्टर जो होता था वो एक हॉरिजेंटली मूविंग चेन में प्लेस होता था, जो कैरेक्टर्स थे वो एक हॉरिजेंटल मूविंग चेन थी उसके ऊपर बने होते थे और चेन बहुत तेज से मूव करती थी। और जब डिजायर्ड कैरेक्टर हर कॉलम के डिजायर्ड कैरेक्टर जो भी आप कैरेक्टर छापना चाहते हैं जब वो पास होता था तब वो हैमर स्ट्राइक करके पेपर पे उसका इम्प्रेशन बनाता था। चेन प्रिंटर का जो अलाइनमेंट था, कैरेक्टर्स का अलाइनमेंट वो अच्छा था बजाय कि और दूसरे प्रिंटर्स थे उनके अपेक्षा या ड्रम प्रिंटर की अपेक्षा अच्छा था। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नाम से ही पता चल रहा है, जो प्रिंटिंग में इम्पैक्ट का यूज़ नहीं करते थे, इम्प्रेशन इज स्ट्राइकिंग के थ्रू प्रिंटिंग नहीं करते थे, यानी प्रिंटिंग हेड और पेपर के बीच में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता था, ऐसे प्रिंटर्स इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते थे और उनको इंक रिबन या पेपर के ऊपर स्ट्राइक करने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो ये प्रिंटर किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे, जस्ट पेपर को टच करते थे और इसमें थर्मल टेक्नोलॉजी का यूज़ या लेज़र बीम्स का यूज़ करते हुए प्रिंटिंग की जाती थी। और इन प्रिंटर्स की जो प्रिंटिंग क्वालिटी थी वो इम्पैक्ट प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी से कहीं बेहतर थी। और सबसे बड़ी जो दोनों में इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में डिफरेंस है वो ये कि इन प्रिंटर्स में शोर नहीं होता था या ना के बराबर होता था, जबकि इम्पैक्ट प्रिंटर्स में बहुत ज़्यादा शोर होता था। अब इसमें इस कैटेगरी में जो प्रिंटर्स आते हैं वो है थर्मल, इंकजेट और लेज़र प्रिंटर। चलिए एक एक प्रिंटर को समझते हैं। थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर एक स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर्स का यूज़ होता था थर्मल प्रिंटर्स में, जिसमें कैरेक्टर्स जो होते थे वो हीट एलिमेंट के कॉन्टैक्ट में आते हीट सेंसिटिव पेपर पर फॉर्म किए जाते थे और इसके बाद उसको डार्केंड डॉट्स के फॉर्म में प्रिंटिंग होती थी उसकी। लेकिन इसका जो प्रिंटिंग क्वालिटी थी वो पुअर थी, अच्छी नहीं थी। थर्मल प्रिंटर्स जो होते हैं वो पोर्टेबल कैलकुलेटर्स में या बैटरी पावर्ड इक्विपमेंट्स में यूज़ किए जाते थे। अब नेक्स्ट प्रिंटर जो कि इंकजेट प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर ये जो प्रिंटर होते थे वो इंक के छोटे छोटे स्ट्रीम या जेट प्रिंटर हेड के द्वारा पेपर पे आते थे। पेपर पे बहुत टीनी ड्रॉपलेट्स स्प्रे होते थे और जिसके थ्रू इसमें इमेज बनती थी। ये हाई क्वालिटी का आउटपुट प्रोवाइड करते थे और इसमें कलर ग्राफिक्स भी छापा जाता जा सकता था। ये प्रिंटर बहुत कम, ना के बराबर इसमें शोर होता था और एवरेज क्वालिटी जो थी इंकजेट प्रिंटर की वो 300 dpi एन डॉट्स पर इंच होती थी, जबकि और भी लेटेस्ट मॉडल के जो इंकजेट प्रिंटर्स आए वो और हायर रेजोल्यूशंस में आए। इंकजेट प्रिंटर में कलरफुल कार्ड्रेज यूज होती थी,
जिससे कि कलरफुल इमेज या कलरफुल प्रिंटिंग भी प्राप्त की जा सकती थी। और ये जो कलर्स थे, ये चार कलर्स के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे कलर्स की प्रिंटिंग करते थे। ये चार कलर कॉम्बिनेशन क्या था? मजेंटा, येलो, सियान और ब्लैक। मजेंटा, येलो, सियान और ब्लैक, इन चार कलर कॉम्बिनेशन से थाउजेंड्स ऑफ शेड्स प्रोड्यूस किए जाते थे। इसमें ब्लैक कार्ट्रिज का भी यूज़ किया जाता था, क्योंकि और कलर्स के साथ मिलके और कलर शेड भी प्रोवाइड करते थे। और अगर आप इसको एज अ मोनोक्रोम आउटपुट अगर लेना चाहते थे तो उसका यूज़ भी कर सकते थे। मोनोक्रोम मतलब, मोनो मतलब सिंगल, क्रोम कलर, यानी अगर आपको सिंगल कलर आउटपुट चाहिए होता था तो मोनोक्रोम आउटपुट भी आप इससे प्राप्त कर सकते थे। ये होम और ऑफिस के लिए ज़्यादातर यूज़ होता था क्योंकि ये चीप था, लेकिन इसकी जो कार्ट्रिज होती थी वो थोड़ी कॉस्टली होती थी और उसको लेज़र प्रिंटर की अपेक्षा जल्दी जल्दी रिप्लेस करने की ज़रूरत होती थी, क्योंकि और इंक इसकी महंगी भी होती थी और साथ में इसको, इसका जो मेंटेनेंस था वो भी थोड़ा सा टफ था। अच्छा, इसका होम ऑफिसेज में ज़्यादा यूज़ होता था, जबकि थर्मल प्रिंटर का यूज़ कैश रजिस्टर रिसिप्ट, ATM रिसिप्ट, लॉटरी की टिकटों को प्रिंट करने में ज़्यादा यूज़ होता था। अब नेक्स्ट प्रिंटर जो कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है, लेज़र प्रिंटर, और जो यूज़ करता है लेज़र बीम्स को, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है प्रिंटिंग के लिए वो है लेज़र बीम्स। और ये बिल्कुल फ़ोटो कॉपियर मशीन की तरह काम करता है, जेरोक्स मशीन की तरह। जिस तरह जेरोक्स मशीन में जिस प्रोसेस के थ्रू काम होता है, वही प्रोसेस इसमें भी लेज़र बीम्स या लाइट रेज के थ्रू इसमें प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। लेज़र प्रिंटर लेज़र बीम का यूज़ करते हैं, और ड्राई पाउडर इंक, जिसको कि टोनर कहते हैं, इस इंक के थ्रू बहुत ही फाइन डॉट मैटर्स को ये प्रोड्यूस करता था, बहुत ही टिनी ड्रॉप को। इसलिए इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी और इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, ये पेजेस को, एक पेज को एक बार में प्रिंट करता था। अभी तक हमने लाइन और कैरेक्टर प्रिंटिंग के बारे में, एक बार में एक कैरेक्टर, एक बार में एक लाइन, लेकिन ये एक पेज को एक बार में प्रिंट करता था। ज़्यादातर इसका यूज़ DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग पर्पस से होता है। और ये 6 से 10 पेजेस को या पेपर्स को एक मिनट में यूज़ करता है। और अगर हाई रेजोल्यूशन का प्रिंटर लें तो ये 600 से 1200 DPI यानी डॉट्स पर इंच के रेजोल्यूशन में प्रिंट करता है, जो कि काफ़ी अच्छी प्रिंटिंग। अगर आप इसकी इमेज देखें तो ये इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, जिसको बाहर से देखने में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं मालूम पड़ रहा है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी या प्रोसेस बिल्कुल एक दूसरे से डिफर है। ओके, अब नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं, जो कि है स्पीकर। स्पीकर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज़ हम साउंड प्ले करने के लिए करते हैं। और स्पीकर में क्या होता है, जो भी अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट होती है उसको साउंड में कन्वर्ट किया जाता है। इसको आप चाहें तो, वैसे तो इनबिल्ट आता है कंप्यूटर्स में, और चाहें तो आप इसे एक्सटर्नली केबल के थ्रू कनेक्ट भी कर सकते हैं स्पीकर्स को, और इसके थ्रू हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, कोई भी साउंड इफेक्ट सुन सकते हैं। वैसे तो स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से कनेक्ट होकर साउंड उत्पन्न करने का काम करती है। कंप्यूटर द्वारा जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है उसको आप साउंड कार्ड का इस्तेमाल करते हुए स्पीकर के थ्रू सुन सकते हैं। एक्सटर्नल स्पीकर बाहर से अटैच कर सकते हो, इंटरनल स्पीकर या इनबिल्ट स्पीकर्स जो कि सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बने होते हैं पहले से ही। ओके, अब जो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है वो है प्लॉटर। प्लॉटर एक ऐसी आउटपुट डिवाइस होती है जो कि प्रिंटर के जैसी ही होती है। ये प्रिंटिंग का ही काम करती है, जो कि एक पेपर पे या पॉलिस्टर फिल्म पे प्रिंटिंग का काम करती है। इससे आप ग्राफिक्स प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन एक खास बात है प्लॉटर की कि इसका इस्तेमाल वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जब ये कोई डिजिटल इमेज को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इक्वेशन की मदद से बनाया जाता है
तो उसे वेक्टर ग्राफिक्स या वेक्टर इमेज कहते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स के द्वारा बनाए गए इमेज को आप जितना भी जूम कर लें, जितना भी बड़ा कर लें, उसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि अभी तक हम लोग प्रिंटर्स को पढ़ रहे थे तो प्रिंटर्स में जो भी प्रिंटिंग होती थी वो डॉट फॉर्म में होती थी, और डॉट फॉर्म कितना भी हाई रेजोल्यूशन का प्रिंटर होगा, डॉट्स को जब हम जूम करेंगे तो एक लिमिट के बाद वो पिक्चर फटी फटी सी नज़र आएगी। लेकिन प्लॉटर में क्योंकि वेक्टर ग्राफिक्स का यूज़ होता है जो कि एक कॉन्टिन्यूस लाइन होती है, ये डॉट फॉर्म में नहीं होती है, तो आप इसको चाहे जितना भी बड़ा कर लें, जूम कर लें, इसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लॉटर में मल्टीपल इमेज को ड्रॉ करने के लिए टोनर की जगह पर पेन, पेंसिल, मार्कर और दूसरे अदर राइटिंग टूल्स का यूज़ किया जाता है। वेक्टर इमेज में पिक्सल्स नहीं होते हैं, उसके जगह पर ये कंटिन्यूस लाइन होती है जिसे जूम करने पर भी उसमें धुंधलापन नहीं दिखाई देता है। सबसे पहला प्लॉटर 1953 में रेमिंगटन रैंड के द्वारा आविष्कार किया गया था, और मॉडर्न प्लॉटर जो कि एचपी कंपनी का है, डेक्स जेट या लेजर जेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। इसकी जो मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं वो रोलैंड या हैवलेट पैकर्ड है। प्लॉटर्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर। इसका यूज़ जनरली इंजीनियर्स करते हैं लाइंस को, मैप्स को या ड्राइंग्स को प्रिंट करने के लिए। इसका यूज़ कैड में किया जाता है, कैड एप्लीकेशंस के ऊपर इसका यूज़ किया जाता है। चलिए, आज हमने पढ़ा कि हमारी आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, आउटपुट यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, उसका आंसर मैं दूंगी। और कोई भी सजेशन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप उसको भी बताइए, उसको भी फॉलो किया जाएगा। अब इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करके देना होगा। वो ये है कि लाइन प्रिंटर कैटेगरी के अंडर में आने वाले किन्हीं दो प्रिंटर्स के नाम बताइए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके देना होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।